हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी फिट ऑफ फिजिकल एजुकेशन चैनल। दोस्तों, बेस्ट क्वेश्चनों का सीरीज लेकर के मैं आपके समक्ष आ गई हूँ। आप सभी भी रेडी हो जाइए आज का क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए और देखिए कि आप कितने क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाए। तो दोस्तों, जैसा कि आपके पास अब कम से कम 13-14 दिन का समय है, 16 को आपका एग्जाम है और जितने भी मैं पुराने वीडियोज अपलोड की हूँ TI2 में प्रैक्टिस कराई हूँ 89 वीडियोज़ का, उसको भी देखते रहिए और 11th 12th का जो मैराथन क्लास है उसको भी देखिए एंड जो मैं आपको डेली बेसिस पर प्रैक्टिस करा रही हूँ, जिसमें से हाई लेवल के क्वेश्चंस को मैं दोस्तों इस समय आपको प्रैक्टिस करा रही हूँ, जैसे KVS NVS में पूछा जाता है उस टाइप के क्वेश्चंस को जो आपके PPSC सिलेबस में है और 100% पूछे जाएंगे और यही क्वेश्चंस होंगे। दोस्तों, आप परीक्षा दे के आइएगा तो फिर कहिएगा। तो दोस्तों, समय नष्ट न करते हुए चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। ए प्रैक्टिस सेट का 6th वीडियो है। तो क्वेश्चन है दोस्तों, मनुष्य की बांह में चालू उत्तोलक प्रणाली है। तो चालू उत्तोलक यानी कि गति का लीवर कहा जाता है तृतीय प्रकार के उत्तोलक में, यानी कि प्रथम प्रकार का उत्तोलक संतुलन का लीवर कहलाता है, जिसमें एक्सिस बीच में होता है फोर्स और रेसिस्टेंस के। द्वितीय प्रकार के उत्तोलक को बल का लीवर कहते हैं, जिसमें रेसिस्टेंस यानी भार बीच में होता है फोर्स और एक्सिस के। और तृतीय प्रकार के उत्तोलक को गति का लीवर कहते हैं और उसमें फोर्स यानी बल बीच में होता है एक्सिस एंड रेसिस्टेंस के। याद रखिएगा, फर्स्ट प्रकार के उत्तोलक में एक्सिस बीच में, द्वितीय प्रकार के उत्तोलक में रेसिस्टेंस यानी भार बीच में और तृतीय प्रकार के उत्तोलक में फोर्स यानी बल बीच में होता है, जिसके लिए मैंने आपको ट्रिक बताया ही था FAR। ठीक है, FAR उसके नीचे लिख दिए 312, आपको निकल के आ जाएगा। एक के ऊपर ए है, यानी कि प्रथम प्रकार के उत्तोलक में एक्सिस होता है बीच में, और दो के ऊपर आर है यानी द्वितीय प्रकार के उत्तोलक में रेसिस्टेंस यानी भार बीच में होता है, और तीन के ऊपर एफ है यानी कि तृतीय प्रकार के उत्तोलक में फोर्स यानी बल बीच में होता है। तो आप समझ गए होंगे। तो यहाँ पे चालू उत्तोलक हमारे जो शरीर में सबसे ज्यादा पाया जाता है वो तृतीय प्रकार का उत्तोलक पाया जाता है। एंड यहाँ पे बात बोला है कि इसमें चालू उत्तोलक कौन सा है मनुष्य के बांह में। तो हम बताएं दोस्तों कि चालू उत्तोलक की बात कहा है, गति की बात कहा है, तो तृतीय श्रेणी हो जाएगा। लेकिन हमारे बांह में प्रथम प्रकार का उत्तोलक और तृतीय प्रकार का उत्तोलक दोनों पाया जाता है। कैसे, इसका एग्जाम्पल है जैसे फोर आर्म एक्सटेंशन यानी कि बाजू को फैलाना, ये आपका प्रथम प्रकार का उत्तोलक हो जाएगा। एक्सटेंशन ऑफ फोर आर्म यानी अग्रबाहु का फैलाना वो प्रथम प्रकार का उत्तोलक हो जाएगा। जैसे कि इसमें एक्सटेंशन ऑफ फोर आर्म फैलाना प्रथम प्रकार का उत्तोलक और बाजू को मोड़ना तृतीय प्रकार का उत्तोलक हो जाएगा। यहाँ पे चालू उत्तोलक पूछा है यानी कि तृतीय प्रकार का उत्तोलक होगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्टियोलॉजी किसका अध्ययन है। तो दोस्तों, ऑस्टियोलॉजी में अस्थियों का अध्ययन किया जाता है, एंथ्रोलॉजी में जोड़ों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है, मांसपेशियों का अध्ययन कहलाता है। तो मांसपेशियों का अध्ययन मायोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट है, खोपड़ी मानव खोपड़ी में अस्थियों की कुल संख्या कितनी होती है। मानव खोपड़ी दोस्तों अगर स्कल की बात करेगा तो कुल 29 हड्डियां होती हैं, जिसमें से क्रेनियल यानी कि खोपड़ी में 8, चेहरा में 14, कान में 6, तीन तीन दोनों तरफ एंड हाइड बोन कंठ में 1, कुल 29 हड्डियां होती हैं। लेकिन 22 ऑप्शन में दिया रहेगा तो भी राइट रहेगा, तो यहाँ पे 22 आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, कलाई में कितनी कार्पल अस्थियां होती हैं। जैसे कि दोस्तों हमारे हाथ की कलाई को कार्पल अस्थियां कहते हैं, जिसमें 8 हड्डियां होती हैं। लेकिन याद रखिएगा, जो पैर की टखना होता है यानी टार्सल बोन, उसमें 7 हड्डियां होती हैं। यानी कि जो हमारे हाथ में
हड्डियों को दो भागों में बांटा गया है, एक्सियल कंकाल एंड एपेनुकुलर। एक्सियल में आपका खोपड़ी में 29 हड्डियां, मेरुदंड में 26 या 33 हड्डियां, पसलियों 24, एक उरोस्थी यानी कुल 80 हड्डियां हो जाती हैं। ऑपेंडिकुलर यानी कि अनुबंधी में 126 हड्डियां होती हैं, जिसको दो भागों में बांटा गया है, अपर लिम और लोअर लिम। अपर लिम में दोनों हाथ और हमारे कंधे और हसुली आ जाता है, क्लेविकल, जो 64 हड्डियां होती हैं, और लोअर लिम में 62 हड्डियां होती हैं, हमारे दोनों पैर और हमारे पेल्विक का हड्डी। तो हमारे दोनों हाथ में 30 हड्डियां होती हैं अपर लिम में, एंड दो हसुली हो गई और दो हमारे स्कैपुला हो गए, यानी कुल 64 हड्डियां। तो हमारे जो हाथों में होती है 30-30-60, यानी कि एक ह्यूमरस हो गया और रेडियस अल्ना हो गया, ठीक है, एंड कार्पस में 8-8 हड्डियां होती हैं, मेटाकार्पल में 5-5 होती हैं, फ्लैंजिया उंगलियां जो होती हैं 14-14 होती हैं, कुल 28 हो गई, ठीक है। उसी तरह पैर में हमारे जो फीमर होती है दोनों पैर मिला के 2 हो गए, एंड पटेला दोनों घुटनों पर होती है 1-1, जिसे परिवर्तनीय हड्डी भी कहा जाता है पटेला को, इसको रिप्लेसमेंट भी किया जा सकता है। एंड टिबिया पैर के अंगूठे की तरफ की दोनों पैर में मिला के 2 हो जाएंगे, फिबुला छोटी उंगली की तरफ पैर के दोनों पैरों को मिला के 2 हो जाएंगे। टार्सल बोन जो टखने एंकल ज्वाइंट होता है वहाँ पे होता है 7-7 हड्डियाँ होती हैं पैरों में, मेटा टार्सल में 5-5, फ्लैंजियस यानी उंगलियों में 14-14-28 होती है, और हमारे पेल्विक में 2, यानी कि लोअर लिम में 62 हड्डियाँ, अपर लिम में 64 हड्डियाँ। इस प्रकार ऑपेंडिकुलर में 126 हड्डियाँ हुई और एक्सियल कंकाल में 80, कुल मिलाकर के 206 हड्डियाँ हो गई। नेक्स्ट है मुक्केबाज की मांसपेशियां होती हैं। तो दोस्तों मुक्केबाज की मांसपेशियां, जिसे मुक्केबाज यानी बॉक्सर मसल्स किसे कहा जाता है, मैंने अच्छे से बताया हुआ है, बॉक्सर मसल्स को सेरेटस एंटीरियर बोला जाता है। सेरेटस एंटीरियर मसल्स जो है वो बॉक्सर मसल्स कहलाती है। यहाँ पे बॉक्सर मसल्स नहीं दिया है तो वहाँ पे उसकी सहायक हो जाती है डेल्टायर मसल, तो अंश छद डेल्टायर यहाँ पे राइट बोला है, अगर नहीं दिया रहेगा तो ठीक है, और सेरेटस एंटीरियर दिया रहेगा तो सेरेटस एंटीरियर राइट होगा, ठीक है। एंड जैसे कि बॉक्सर मसल्स सेरेटस एंटीरियर को बोलते हैं, रोइंग मसल्स लैटिमस डोर्सी को बोलते हैं, ठीक है, लैटिमस डोर्सी हमारे पीठ में होती है। लैटिमस डोर्सी कहाँ पे होती है, कमर के पास से ऊपर पीठ पर ट्रेपेजियस के नीचे। एंड स्विमर मसल्स डेल्टायर जो हमारे कंधे पर होती है, एंड लैटिमस डोर्सी दोनों को कहा जाता है। थ्रोइंग मसल्स किसी चीज़ को फेंकने का, तो लैटिमस पेक्टोरलिस मेजर जो हमारे वक्ष पर होती है। टेलर मसल्स जो पट्टा पेशी होती है हमारे जांग पर, वो सार्टोरियस मसल्स होती हैं। मलखम या राइडर मसल्स एडक्टर मंगस को कहते हैं, जो घुटने के नीचे होता है। लिफ्टर मसल्स किसी को सहारा देना डेल्टॉयड मसल्स होती हैं। कॉफ मसल्स गैस्ट्रोनिमियस को बोलते हैं। राइट क्लिम्बर मसल्स लैटिमस डोर्सी को बोलते हैं। आगे की ओर झुकने में कौन सी मांसपेशी संकुचित होती है दोस्तों, तो क्वाडरी सेपस मसल्स। जैसे कि कौन सी मांसपेशी कहाँ पे पाई जाती है, जैसे पेक्टोरलियस मेजर सीने के पास छाती में, बाइसेप्स ऊपरी अंग के हाथ के पास हाथ के ऊपर में, और ट्राइसेप्स बाइसेप्स के नीचे, डेल्टॉयड कंधे में, एंड एपिकार्डियम मायोकार्डियम एंडोकार्डियम हृदय में पाया जाता है। ट्रेपेजियस पीठ के ऊपरी हिस्से में दोस्तों, गर्दन के ठीक नीचे, जिसे गर्दन के पास गर्दन को पीछे धकेलने में मदद करता है। लैटिमस डोर्सी कमर के पास से ऊपर पीठ पर ट्रेपेजियस के नीचे, एंड ग्लूटियस मैक्सिमस हमारे कमर के नीचे कुल्हे के पास, जो शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी कहलाती है। ग्लूटियस मैक्सिमस कुल्हे की सबसे लंबी मांसपेशी कहलाती है सार्टोरियस जांग की, और सबसे मजबूत मसल्स कहलाती है मसेटर मसल्स निचले जबड़े की। एंड सेरेटस एंटीरियर जो होता है हमारे स्केपुला के पीछे पेक्टोरलिस के नीचे होता है। सार्टोरियस टेलर मसल्स जांग भी होती है, जो हमारे हिप के विस्तार यानी कि फैलाने और हिप को जांग को, जैसे कि हमारे जांग को विस्तार करने में, जांग को फैलाने में, घुटने को फैलाने में और हिप को मोड़ने में सहायक होती है
सार्टोरियस मसल्स। एंड स्टेपीडियस जो है कान की मसल्स होती है, जो सबसे छोटी मसल्स होती है। ठीक है, तो दोस्तों इतना मैं बताऊंगी तो कम पड़ जाएगा, इसके लिए आप मसल्स वाले वीडियोज को हमारे देख लीजिए। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है गर्दन का जोड़ उदाहरण है। तो दोस्तों जो ज्वाइंट्स होते हैं तीन प्रकार के होते हैं, अच्छे से बताए हूँ। तो गर्दन का जोड़ जो है वो धुराग्र संधि यानी कि पीवट ज्वाइंट्स का उदाहरण है, जिसमें रोटेशन मूवमेंट होता है। और जो हाथ की रेडियस और अल्ना हड्डियाँ होती हैं वो भी पीवट ज्वाइंट्स का ही उदाहरण है। चल संधि में 6 ज्वाइंट्स होते हैं, ग्लाइडिंग ज्वाइंट्स जो फिसलने वाले होते हैं, जिसमें कार्पस टॉर्सस होते हैं, बॉल एंड सॉकेट जो एक गोल से या दूसरी हड्डी के कप के आकार में घुसा रहता है, जैसे हमारे शोल्डर ज्वाइंट्स एंड हिप ज्वाइंट्स होता है। हिंज ज्वाइंट जो होता है जिसे कोर संधि या कब्जा संधि भी कहते हैं, एक तल में गति होती है जैसे दरवाजा एक ही दिशा में घूमता है, जैसे नी ज्वाइंट, एल्बो ज्वाइंट, उंगलियों का जोड़ एंड जबड़ों का जोड़ हिंज ज्वाइंट यानी कोर संधि में आता है। कॉन्डिलर ज्वाइंट दो तलों में गति होता है, जैसे हमारे कलाई का जोड़ यानी कि रिस्ट ज्वाइंट। पीवट ज्वाइंट जिसमें सिर्फ रोटेशन मूवमेंट होता है, जैसे हमारे गर्दन का ज्वाइंट एंड रेडियस अल्ना हड्डी। एंड छठा होता है चल संधि में सैडल ज्वाइंट, जो परस्पर आदान प्रदान करने वाली संधि होती है, जो किसी भी दिशा और तल में गति होती है, जिसे पृष्ठ संधि भी कहते हैं सैडल ज्वाइंट को। इसमें ट्रेपेजियस था प्रथम मेटाकार्पल अस्थि संधि होती है, जिसमें अंगूठा जो है प्रत्येक उंगली के सामने जा सकता है। जिसे मैंने आपको एक ट्रिक बताया था DAS, ठीक है, DAS यानी कि चल अधचल अचल। डायर्थ्रोसिस चल संधि को बोलते हैं, एम्फियार्थ्रोसिस अधचल संधि को बोलते हैं, और साइनोथ्रोसिस अचल संधि को बोला जाता है। नेक्स्ट दोस्तों समलंब पेशियां सहायक होती हैं। यहाँ पे समलंब का मतलब है ट्रेपेजियस, जो हमारे गर्दन के पीछे होता है, जो गर्दन को पीछे धकेलने में सहायक होता है। एंड नेक्स्ट है हवा में घूमती हुई गेंद में कार्य करने वाला बल क्या कहलाता है। तो दोस्तों यह मैग्नस फोर्स कहलाता है। जैसे कि हम ट्रैक पर दौड़ते हैं, दौड़ते समय हम बाईं ओर मुड़ जाते हैं, बाईं ओर क्यों झुकते हैं, तो वो मैग्नस फोर्स के कारण होता है, याद रखिएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है। तो आप सबको पता है हमारे कान में 3-3 हड्डियां दोनों तरफ पाई जाती हैं, जिसे याद करने का ट्रिक है MIS यानी मिस, एम से मैलिस, आई से इनिकस और यस से स्टेपस। जो स्टेपस होती है वो हमारे कान की स्टेपस हड्डी शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है। तो यहाँ पे हिंदी में ऐसा दिया है दोस्तों कि आप पहचान भी नहीं पाएंगे, वहाँ इंग्लिश में स्टेपस लिखा रहेगा, उसके लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हिंदी में कुछ भी लिखा रहे इंग्लिश में आपको याद है तो वो हमेशा आपका राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल फास्ट ही हो जाएगा, यानी कि स्टेपस। नेक्स्ट क्वेश्चन है अस्थियों की रचना में निम्नलिखित में किसका प्रतिशत सर्वाधिक है। तो आपको पता है सबसे ज्यादा कैल्शियम फॉस्फेट का होता है, किसका होता है, कैल्शियम फॉस्फेट का। नेक्स्ट है कपाल में अस्थियों की कुल संख्या कितनी होती है। यहाँ पे क्रेनियल की बात कर रहा है दोस्तों, जहाँ स्कल की बात करेगा वहाँ 29 होगा, 29 ऑप्शन नहीं दिया रहेगा तो 22 होगा। क्रेनियल यानी क्रेनियल की बात करेगा खोपड़ी की, तो वहाँ पे 8 हड्डियाँ हो जाएंगी। नेक्स्ट है वक्षीय कशेरुकाएँ बनी होती हैं। तो हमारे जो मेरुदंड होती है वर्टिब्रल कॉलम, उसमें कुल वयस्कों में 26 एंड बच्चों में 33 हड्डियाँ होती हैं। तो जैसे कि हमारे सर्वाइकल गर्दन में 7 कशेरुका, वक्ष यानी थोरेसिक में 12 कशेरुका, लंबर यानी कटी कमर वाले भाग में 5 कशेरुका, सैक्रल में 5 जो बड़े होने पर पांचों मिलकर एक हो जाती हैं, और कॉक्सिजियल में भी 4 होती हैं जो अंतिम पूछ वाला भाग होता है, और इसे अवशेषी अंग भी बोला जाता है। पूछा गया था मनुष्य में कौन अवशेषी अंग है, तो कॉक्सिजियल, तो इसी से पूछ निकला था जो अब समाप्त हो चुका है। तो कॉक्सिजियल भी 4 होता है जो वयस्क होने पर चारों मिलकर एक हो जाते हैं, इसलिए 33 के स्थान पर 26 हड्डियाँ बचती हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो अच्छी कशेरुकाएँ कितनी होती हैं दोस्तों, 12 हड्डियों की बनी होती हैं। नेक्स्ट है सैक्रम त्रिकास्थि कशेरुकाएँ कितनी होती हैं। तो लास्ट वाला जो होता है सैक्रल और कॉक्सिजियल, सैक्रल
पांच होती हैं और कॉक्सिजियल चार होती हैं। तो सैक्रल कितनी होती है? पांच अस्थियों की बनी होती है। नेक्स्ट है कटी कशेरुकाओं की संख्या, यानी कि लंबर वाला भाग जो होता है उसमें पांच होती है। एंड नेक्स्ट है दोस्तों, जो अस्थि उपास्थि के प्रतिस्थापन से बनती है उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे प्रतिस्थापन अस्थि बोला जाता है, उसे प्रतिस्थापन अस्थि बोला जाता है। नेक्स्ट है, जो अस्थि संयोजक उत्तकों के रूपांतर से बनी होती है उसे कौन सी अस्थि कहते हैं? तो उसे निवेशी अस्थि बोला जाता है। उसे जो संयोजी उत्तकों के रूपांतर से बनी होती है उसे निवेशी अस्थि बोला जाता है। नेक्स्ट है, अस्थि कोशिकाएं यह भी कहलाती हैं। अस्थि कोशिकाएं को ऑस्टियोसाइट्स बोला जाता है, याद रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अस्थि कोशिकाओं को ऑस्टियोसाइट्स बोला जाता है। और दोस्तों याद रखिएगा, कई बार ऑस्टियोब्लास्ट एंड ऑस्टियोक्लास्ट के बारे में पूछा जाता है। तो ऑस्टियोब्लास्ट अस्थि के निर्माण की प्रक्रिया को कहा जाता है और ऑस्टियोक्लास्ट अस्थि के विघटन के कार्य को कहा जाता है, याद रखिएगा। एंड नेक्स्ट है, दाएं हाथ की अस्थियों के अस्थि भवन यानी ऑसिफिकेशन की तकनीक का उपयोग किसे निर्धारित करने के लिए किया जाता है? तो दोस्तों इसमें आयु ज्ञात यानी उम्र ज्ञात करने के लिए दाएं हाथ की अस्थियों का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि दोस्तों मनोविज्ञान तथा शरीर रचना विज्ञान के आधार पर मनुष्य की आयु ज्ञात करने की चार विधियाँ हैं, यानी कि एक क्रोनोलॉजिकल एज यानी कालक्रम आयु, दूसरा एनाटॉमिकल एज शरीर रचना आयु, तीसरा फिजियोलॉजिकल एज शरीर क्रियात्मक आयु, और चौथा मानसिक आयु यानी मेंटल एज। कालक्रम आयु जो होता है क्रोनोलॉजिकल एज, वो जन्म से लेकर आज तक की आयु होती है, जैसे कि यह वर्षों महीनों और दिनों में मापा जाता है। जैसे हम लोगों का आप सबका कैलेंडर आयु के नाम से भी इसे जाना जाता है, जैसे कि इसका बर्थडे इतना इतना पे है, यानी उसका जैसे कि 12/5/1972 अर्थात 12 मई 1972, ये जो आपका कालक्रम आयु है इसे स्कूल तथा मार्कशीट की आयु के नाम से भी जाना जाता है एंड कैलेंडर आयु के नाम से भी जाना जाता है, कालक्रम आयु यानी कि क्रोनोलॉजिकल एज को। दूसरा होता है एनाटॉमिकल एज, जिसे शरीर रचना आयु भी कहते हैं। इसमें ऑसिफिकेशन ऑफ बोन यानी कि अस्थियों की परिपक्वता पर के आधार पर आयु ज्ञात किया जाता है, यानी अंगों के पूर्ण विकास से आयु का पता लगाया जाता है एनाटॉमिकल एज में। इसमें जैसे कि दांतों की गणना करके इसके पुला अस्थि के आधार पर, और महत्वपूर्ण बात यह है कि एज की गणना के लिए दाहिने हाथ की जो रेडियल बोन होती है उसका प्रयोग करके हड्डी की आयु ज्ञात की जाती है, इसलिए इसको दाहिने हाथ की रेडियल बोन को एक्सरे एज के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा। वही पेड़ों की आयु ज्ञात करने के लिए क्या पता लगाया दोस्तों? जो पेड़ों में एक रिंग हो जाता है, गोलाकार चिन्ह हो जाता है, तो एनुअल रिंग जो होता है उसके द्वारा पेड़ों की आयु का पता लगाया जाता है, उसको वार्षिक वलय भी बोलते हैं। जीके में ये पूछ सकता है, 40 क्वेश्चन आपका जीके का भी रहेगा, इसलिए मैं बता दे रही हूँ। और तीसरा होता है शरीर क्रियात्मक आयु या दैहिक आयु, जिसे फिजियोलॉजिकल एज कहते हैं, जो उसमें चेंजेज आते हैं हार्मोन्स के द्वारा उसके द्वारा ज्ञात किया जाता है। चौथा होता है मानसिक आयु, मेंटल एज, ठीक है, जिसको ज्ञात करने का सूत्र है IQ बुद्धि लब्धि मानसिक आयु बटे कालक्रमिक आयु गुणे 100 MA/CA, यानी मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज गुणे 100। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, घुटने के पीछे की मांसपेशी, जो हमारे जांघ के पीछे की मांसपेशी है जिसे हैमस्ट्रिंग मसल्स बोलते हैं, जो सेमी मेमोरियस सेमी टेनियस एंड बाइसेस फेमोरिस से मिलकर बनी होती है, यह घुटने को मोड़ने में काम आती है। नेक्स्ट दोस्तों, श्लेष्मा की संधिया है यानी साइनोवियल ज्वाइंट की बात कर रहा है, जो चल संधि के कहा जाता है। तो श्लेष्मा की संधिया है किंचित चलायमान, यानी कि अचल संधि नो, स्वेच्छा अनुसार चलायमान यानी कि चल संधि यहाँ पे राइट होगा। नेक्स्ट है, ऊर्ध्वाधर अच गुजरता है, अच यानी एक्सिस, तो ऊर्ध्वाधर ऐसे हमेशा गुजरता है यानी कि जमीन के अभिलंब। नेक्स्ट है, विज्ञान की इस किस शाखा में गुरुत्व का नियम गति के नियम का उदाहरण है? तो दोस्तों यांत्रिकी में
यांत्रिकी में कोई भी यंत्र कैसे काम करता है, किस कोण पे मुड़ा जाता है और ये सभी यांत्रिकी में अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है सपाट पैर यानी कि फ्लैट फुट, चपटा पाँव को और किस नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों सपाट पैर को पीएस प्लेनस के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यानी फ्लैट फुट जो खड़े होने पर पंजे के नीचे कोई वक्र नहीं बनता, एकदम सपाट समतल होता है और उसे चपटा पाँव यानी फ्लैट फुट बोला जाता है, यानी इसे पीएस प्लेनस भी बोलते हैं। और फ्लैट फुट में दो प्रकार के आर्च बनते हैं, याद रखिएगा, एक लॉन्गिट्यूडिनल यानी कि एड़ी से पैर के अंगूठे तक और दूसरा ट्रांसवर्स यानी कि पैर की छोटी उंगली से अंगूठे तक। एक और विकृति होती है पंजा पाँव यानी कि चपटा पाँव का जस्ट उल्टा होता है पंजा पाँव यानी क्ले फुट, जिसको पीएस कैवस भी बोलते हैं। तो पीएस कैवस और पीएस प्लेनस में आप कन्फ्यूज मत होइएगा, फ्लैट फुट यानी चपटा पाँव को पीएस प्लेनस बोलते हैं, पंजा पाँव यानी क्ले फुट को पीएस कैवस बोलते हैं, याद रखिएगा। और पंजा पाँव यानी क्ले फुट को पीएस कैवस, हॉलो फुट, क्लो टॉच आदि नामों से जाना जाता है। ये फ्लैट फुट के विपरीत होता है, जैसे कि फ्लैट फुट में कोई वक्र नहीं बनता समतल होता है, तो क्ले फुट यानी पंजा पाँव में बहुत ज़्यादा वक्र बन जाता है, गड्ढा जैसा, यानी पंजे पशुओं की खुर की तरह मुड़ जाते हैं, याद रखिएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है सममितीय संकुचन होती है, सममितीय संकुचन में पेशी क्या होती है। तो सममिति यानी कि आइसोमेट्रिक की बात कर रहा है, तो आइसोमेट्रिक आइसो मतलब सेम एंड मेट्रिक मतलब लंबाई यानी सेम लंबाई, यानी कोई चेंज नहीं होती है लंबाई, न तो लंबी होती है ना छोटी होती है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, ठीक है, पेशी की लंबाई ना लंबी होती है ना छोटी होती है। और समगति यानी कि आपका आइसोटोनिक होता, आइसोटोनिक आइसो मतलब सेम, टोनिक मतलब तनाव यानी सेम तनाव, यानी कि पेशियाँ छोटी बड़ी होती हैं, जैसे कॉन्सेंट्रिक इसेंट्रिक, कॉन्सेंट्रिक में पेशियाँ छोटी होती हैं, इसेंट्रिक में पेशियाँ बड़ी होती हैं। ये आइसोटोनिक का प्रकार होता है, जैसे कि कैलिस्थेनिक व्यायाम, एक ही स्थान पर दौड़ना, वेट ट्रेनिंग, मेडिसिन बाल थ्रो आदि। एंड एक होता है आइसोकाइनेटिक, जिसमें आइसो मतलब सेम, काइनेटिक मतलब गति, सेम गति, सेम गति की बात आए, जिसको 1968 में जेम्स पेन ने खोजा था, ये क्वेश्चन पूछा भी था। यह मशीनों के द्वारा ज़्यादातर किया जाता है पानी वाले खेलों में, जैसे कि रोइंग, नाव खेलना, तैरना आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों स्केपुला यानी स्कंधा अस्थि कहाँ अवस्थित है। तो आप सबको पता है ये ऊपरी पीठ में अपर बैक में स्थित है। नेक्स्ट है लैटिमस डोर्सी कहाँ होती है। तो दोस्तों लैटिमस डोर्सी जो हमारे ट्रेपेजियस गर्दन की जो मांसपेशी होती है गर्दन के नीचे, उसके नीचे होती है यानी कि पीठ में होती है। नेक्स्ट दोस्तों लार्डोसिस अग्रकुब्जता का एक नाम यह भी है। दोस्तों याद रखिएगा लार्डोसिस को अग्रकुब्जता और काइफोसिस को पश्चकुब्जता कुब्जता कहते हैं। जैसे काइफोसिस में पश्चकुब्जता यानी कि पीछे की तरफ वाला भाग उठ जाता है, गोलाकार पीठ हो जाता है, जबकि लार्डोसिस में अग्रकुब्जता यानी पेट बाहर की ओर निकल जाता है और जो हमारा कमर वाला भाग होता है उसमें वक्र यानी गड्ढा बन जाता है, यानी कि इसको अवतल पृष्ठ यानी कि गड्ढा बन जाता है तो अवतल पृष्ठ कहा जाएगा, ठीक है। जैसे कि आपका इस तरह का आकृति बन जाएगा, कब हाँ पेट इधर निकल गया और ये वाला भाग जो है आपका गड्ढा बन गया, ये लार्डोसिस है। और काइफोसिस में क्या आएगा कि पेट एक पीठ वाला भाग है तो ऐसे हो जाएगा, एक काइफोसिस है, एक काइफोसिस है, ठीक है। तो दोस्तों जैसा कि जो लार्डोसिस है उसमें कमर वाले भाग में गड्ढा हो जाता है, और जो काइफोसिस है तो लार्डोसिस को अग्रकुब्जता भी कहते हैं, याद रखिएगा, और काइफोसिस को पश्चकुब्जता। काइफोसिस में क्या होता है, काइफोसिस को घुमावदार पीठ यानी पीठ वाला भाग आपका गोलाकार रूप में हो जाता है, बाहर निकल जाता है, पीछे की ओर उठ जाता है, तो काइफोसिस को राउंड बैक, हंच बैक, घुमावदार पीठ आदि नामों से जाना जाता है, और लार्डोसिस को हालो बैक, अग्रकुब्जता, स्वे बैक, बैक पोस्चर डिफेक्ट, सरल बैक आदि नामों से जाना जाता है, याद रखिएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है परवलय है, तो बार बार एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, मुक्त वायु में प्रक्षेपित किसी पदार्थ या वस्तु को मार्ग को परवलय कहते हैं, ठीक है, या पैराबोलिक कहते हैं। नेक्स्ट दोस्तों विराम और गति जैसे शब्द पदों का अध्ययन किसमें होता है।
तो विराम और गति जैसे पदों का अध्ययन होता है दोस्तों किसमें होता है, तो यह होता है बायोमैकेनिक्स में। ठीक है, किसमें होता है, जैव यांत्रिकी, विराम और गति जैसे शब्दों का प्रयोग जैव यांत्रिकी यानी बायोमैकेनिक्स में होता है। यह भौतिकी की शाखा है, याद रखिएगा। एंड नेक्स्ट है, किस प्रकार के उत्तोलक में भार बल और आलंब के बीच में होता है दोस्तों, तो अभी मैं जस्ट ट्रिक बताई हूँ, एफ ए आर 312, यानी दो के ऊपर कौन है दोस्तों, आर रेसिस्टेंस है, जब भार बीच में रहेगा तो कौन सा उत्तोलक होगा, तो द्वितीय प्रकार का उत्तोलक, याद रखिएगा। और एक्सिस बीच में तो फर्स्ट प्रकार का, फोर्स बीच में तो तृतीय प्रकार का। ठीक है, तो इतना आपको ट्रिक मैं बता दी हूँ कि आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है, गोलक और उलूखल संधि यानी कि बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट की बात कर रहा है कि चारों ओर संचलन है, तो बॉल और सॉकेट ज्वाइंट ऐसा ज्वाइंट है जिसमें सभी प्रकार की गतियां होती हैं, फ्लेक्शन एक्सटेंशन यानी कि आकुंचन प्रसार, परिक्रमण परिसरपण यानी कि एब्रेशन एडर्शन, अति विस्तार यानी हाइपर एक्सटेंशन, ये सभी प्रकार की जो गतियां होती हैं ये बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट्स में होती हैं। इसमें कंधे का ज्वाइंट एंड हिप का ज्वाइंट आता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन कोर संधि का उदाहरण है, कोर संधि यानी कि हिंज ज्वाइंट, कोर संधि यानी कि हिंज ज्वाइंट, तो हिंज ज्वाइंट जिसे कब्जा संधि भी कहा जाता है, जो एक ही तल में गति होता है, जिसे कोर संधि, कब्जा संधि या हिंज ज्वाइंट कहते हैं, जो एक ही दिशा में जैसे दरवाजा एक तरफ मुड़ता है, इसके अंतर्गत हमारा नी ज्वाइंट यानी कि कोहनी संधि, एल्बो ज्वाइंट यानी घुटने की संधि, उंगलियों का जोड़, जबड़ों का जोड़ आता है। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा कोहनी संधि। ठीक है, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे कि नितंब संधि ये बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट हो जाएगा, टखना संधि या ग्लाइडिंग ज्वाइंट हो जाएगा। नेक्स्ट है, चक्र के विमोचन के समय यानी चक्र को बाहर छोड़ते समय कौन सा बल कार्य करेगा, तो एक होता है सेंट्रीपिटल यानी कि अभिकेंद्री बल जो केंद्र की तरफ लगता है, एक होता है सेंट्रीफ्यूगल जो अपकेंद्री बल होता है जो बाहर की तरफ लगता है। तो जब कोई भी चीज बाहर की तरफ छोड़ा जा रहा है तो वहां पे जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है यानी अपकेंद्री बल ज्यादा लगेगा अभिकेंद्री बल यानी सेंट्रीपिटल फोर्स से। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पे अपकेंद्री बल अभिकेंद्री बल से अधिक होता है। नेक्स्ट है, स्टर्नम यानी उरोस्थी कहाँ स्थित होती है, तो दोस्तों उरोस्थी जो होती है वो छाती में यानी वक्ष में स्थित होती है जिसमें दोनों तरफ पसलियां 12-12 जोड़ी लगी रहती हैं, और स्टर्नम के तीन भाग होते हैं, मैनुब्रियम, ग्लैडियोलस, जीफाइड। मैनुब्रियम जो सबसे चौड़ा भाग होता है जिसमें दोनों हसली जुड़ी रहती हैं, और जो बीच वाला भाग होता है ग्लैडियोलस जिसमें 7 जोड़ी पसलियां जुड़ी रहती हैं, जो लास्ट वाला भाग होता है जीफाइड जिसका स्वतंत्र भाग निचला स्वतंत्र भाग होता है उपास्थि का बना होता है, इसके नीचे हमारा लीवर एंड पैंक जो अमाशय, पित्ताशय और तिल्ली सुरक्षित रहती हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन कंदुकखलिका संधि उलूखल संधि यानी बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट्स है, तो आपको पता है हमारा जो कंधा का संधि यानी कि स्कंद संधि और नितंब संधि दोनों आपका है, तो ए एंड बी दोनों राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, अपावर्तन एबडक्शन में बाहू हिलती डुलती है तो शरीर से दूर जाता है दोस्तों, एबडक्शन में शरीर से दूर और एडक्शन में शरीर के पास आता है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा शरीर से दूर, ये बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट्स के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है, किस प्रकार के उत्तोलक में बल भार और आलंब के बीच होता है, तो बल बीच में होता है तो कौन सा उत्तोलक होगा दोस्तों, तृतीय प्रकार का उत्तोलक। ठीक है, नेक्स्ट है, श्लेष्मक संधि यानी साइनोवियल ज्वाइंट है, साइनोवियल कहाँ पे होता है, जोड़ों पर, जोड़ों पर ज्यादातर कौन सी संधि होती है, चल संधि, यहाँ पे हो जाएगा स्वच्छंद रूप से जंगम। ठीक है, स्वच्छंद रूप से जंगम संधि होगा, तो यहाँ पे चल संधि होगा। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि संधियां तीन प्रकार की होती हैं, तो तीनों के नाम आपको जरूर याद रखना चाहिए, जैसे कि अचल संधि होती है जिसको कील संधि या तंतु संधि या फाइबर ज्वाइंट्स या फिक्स ज्वाइंट या साइनोथ्रोसिस ज्वाइंट या इमूवेबल ज्वाइंट्स के नाम से जाना जाता है, और अचल संधि में खोपड़ी का जोड़ जिसे सुचर ज्वाइंट बोलते हैं, और दांत का जोड़ जिसे गोम्फोसिस या पेगन सैकेट ज्वाइंट कहते हैं, और साइको इलियक जोड़ जो सैक्रम हड्डी के बाहरी भाग इलियक
हड्डी से जुड़ा रहता है, कुल्हे में स्थित होता है, और एंटीरियर टिबिया फिबुला ज्वाइंट होता है जिसको सिनेमोसिस कहते हैं। दूसरा होता है अर्धचल संधि जिसे सिकली मूवेबल ज्वाइंट, कार्टिलेजियस ज्वाइंट, एम्फियाथ्रोसिस ज्वाइंट कहा जाता है, और बहुत कम इसमें गति होती है। इसमें हमारा प्यूबिक सिम्फेसिस, इंटरवर्टिबल ज्वाइंट, रीढ़ की हड्डी का जोड़ आता है, और हमारे रिप्स ज्वाइंट आता है, और कुल्हे का सबसे निचला वाला हिस्सा टेल बोन के पास का जोड़ आता है। तीसरा होता है चल संधि जिसे फ्रीली मूवेबल ज्वाइंट, साइनोवियल ज्वाइंट, डायथ्रोसिस ज्वाइंट के नाम से जाना जाता है। इसके बारे में आप सबको पता है, इसमें गति करने में सहायक होती है, कई तलों में गति होती है, जैसे कि ग्लैडिंग ज्वाइंट, कार्पस टार्सस ज्वाइंट होता है जोड़, बैलेंस सैकेट ज्वाइंट में कंधे का जोड़, शोल्डर ज्वाइंट एंड हिप ज्वाइंट आता है, और हिंज ज्वाइंट में जिसे कोर संधि कब्जा संधि कहते हैं, एक ही दिशा में होता है, जैसे नी ज्वाइंट, एल्बो ज्वाइंट एंड उंगलियों का जोड़, जबड़ों का जोड़, कार्डिलायर ज्वाइंट में दो तलों में गति होता है जैसे रिस्ट ज्वाइंट, एक कलाई का जोड़, पियर ज्वाइंट में रोटेशन मूवमेंट होता है जैसे गर्दन का ज्वाइंट एंड रेडियस अल्ना ज्वाइंट। छठा होता है चल संधि में सैडल ज्वाइंट जिसे पृष्ठ संधि भी कहते हैं, जिसमें परस्पर आदान प्रदान करने वाली संधि होती है, जिसे जिसमें किसी भी दिशा व तल में गति होती है, जैसे कि ट्रेपेजियम तथा प्रथम मेटाकार्पल अस्थि की संधि जिसमें अंगूठा प्रत्येक उंगली के सामने जा सकता है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, आई होप कि सभी क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आए होंगे, जो भी डाउट होगा कमेंट में बताइएगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।